विश्व हिंदू परिषद जिला मुरादाबाद के जिला मंत्री राकेश अत्री के नेतृत्व में एक 5 सूत्र ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। प्रांत टोली सदस्य रोहन सक्सेना ने कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 6 मई की जो घटना गोविंदपुर खुर्दे में हुई थी, वह घटना निंदा का विषय है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद आगामी समय में रोटी कमाओ बेटी बचाओ के नाम से महापंचायत का आयोजन क्षेत्र में करेगा, जिसमें समस्त हिंदू समाज को आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए सोमवार को रात्रि से ही हिंदू समाज के जन कल्याण के लिए गांव-गांव में सत्संग हनुमान चालीसा के पाठ कराए जाएंगे और हिंदू समाज की सोई हुई शक्ति को पुनः जागृत कर बहन बेटी की रक्षा के लिए लाएंगे। विभाग संयोजक गौरव भटनागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 6 मई को जो घटना हिंदू समाज के साथ घटित हुई वह निंदनीय है, परंतु शनिवार को जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज को बेवजह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और 60 लोगों पर अज्ञात मुकदमा व लड़की के पिता भाई व 10 रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, यहाँ पुलिस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है कि पुलिस अभी तक अपने मन से मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को नहीं निकाल पाई है और हिंदू समाज के ऊपर निरंतर दबाव बनाकर उनको पलायन के लिए मजबूर कर रही है। तरह से आज लव जिहाद चल रहा है, उसको लेकर के आज हम सब लोग डीएम लगातार एक तरह का माहौल था बन गया, जैसे कुंदरकी क्षेत्र में भी, धनपुर नगली में हुआ, कटघर में हुआ, अभी मुंडा पांडे हुआ, मुंडा पांडे में जो हम सब लोगों का आरोप है शिवसेना बजरंग दल विश्व परिषद हिंदू संगठनों का कि पुलिस प्रशासन आरोपियों की मदद कर रहा और हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार कर रहा, उसी को लेकर के जो लड़की हिंदुओं की भगाई गई है उसको लेकर के आज तक हम लोग डीएम महोदय से मिले और एसपी आर से ही बात हुई, एडीएम सिटी महोदय से ही बात हुई, 1.5 से 2 घंटे डीएम कराले पर जबरदस्त प्रदर्शन सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर करा और उसके बाद डीएम साहब से जो वार्ता हुई उसमें यही हुआ कि इस मुकदमे की जांच पूरी तरह से करी जाएगी। 60 लोगों पर जो मुकदमा लगाया गया उन लोगों पे मुकदमा लगाने के लिए भी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। दूसरा जो लड़की वाला प्रकरण है उस पर भी, और जो लड़की के घर पर तोड़फोड़ हुई है उसके लिए एडीएमई को नामित कर दिया गया इस पूरे प्रकरण के लिए और एसपी रिहाद जो देख रहे हैं उनको, उन दोनों की टीम के साथ एक और सीओ को नामित करके इस पूरे प्रकरण की जाँच करी जाएगी और जो पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का माननीय डीएम साहब ने 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को बात कर। इस मौके पर विशाल द्रविड़, विभाग गोरक्षा प्रमुख वरुण शर्मा, महानगर संयोजक संजय ठाकुर, महानगर सह संयोजक मोहन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अनिल सुमित भोला, कृष्णपाल कुंवरपाल, मित्रपाल छत्रपाल, वसु अश्वनी, रजत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।